नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सिर्फ टॉपिक डालेंगे और ये एआई टूल आपके लिए वीडियो रेडी करके दे देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बस वही लिखना है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो दे दे, तो भाई ये जो एआई टूल है ना, आपके लिए कुछ ही मिनटों में परफेक्ट वीडियो रेडी करके दे देगा। और इस एआई टूल की मदद से आप लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों ही क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, कोई स्टोरी है, आप उस पर भी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप कॉपी पेस्ट करके कुछ ही मिनटों में वीडियो रेडी कर सकते तो हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम को ओपन करना है और आ जाना है इस वाली वेबसाइट पर। अब दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में तीन डैश दिखेंगे ब्लू कलर से, हमें सिंपली यहाँ पर टच करना है। हम यहाँ पर टच करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा एआई वीडियो टूल्स का, हमें सिंपली एआई वीडियो टूल्स पर टच करना है। हम यहाँ पर टच करेंगे तो तीन ऑप्शन दिखेगा, पहला ऑप्शन है आइडिया टू वीडियोज, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट टू वीडियोज और तीसरा ऑप्शन है चैट जीपीटी प्लगइन का। हमें पहले वाले ऑप्शन पर टच करना है। हम पहले वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो हमारे सामने साइन अप करने का पेज आ जाएगा, जहाँ पर हमें साइन अप पे टच करना है। हम साइन अप पे टच करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फेसबुक से, जीमेल अकाउंट से, या आप यहाँ पर चाहें तो खुद का फिर से एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूजर नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है। तो यहाँ पर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, सिंपली कंटिन्यू विथ गूगल कर लेंगे। हम कंटिन्यू विथ गूगल पे टच करेंगे तो हमारे फ़ोन में जो भी जीमेल अकाउंट हमने लॉगिन कर रखा होगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा और हमें अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम एक जीमेल अकाउंट को टच करते हैं। हम अपने जीमेल अकाउंट को जब टच करेंगे तो हम आ जाएंगे इसकी मेन पेज पर, यानी कि होम पेज पर हम इसके आ जाएंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, हमें ऊपर कुछ क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर कुछ वीडियो पहले से ही बने बनाए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं, दो वीडियो ओपन हो गया है, तीसरा और चौथा भी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ वीडियो इस प्रकार से दिखेंगे जो कि पहले से ही यहाँ पर बने हुए हैं। हमें अपना वीडियो बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर क्रिएट का जो बटन दिख रहा है, हमें सिंपली नीचे क्रिएट वाले ऑप्शन पर टच करना है। हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा प्रॉम्प्ट का। अब दोस्तों, यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट दिख रहा है, इसके नीचे हमें कुछ लिखने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली टच करना है और यहाँ पर अपने वीडियो का टॉपिक लिख लेना है, हमें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ टाइप टाइप कर लेते हैं, जैसे मुझे चाहिए कि भारतीय संस्कृति पर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ RITA, मैं यहाँ पर लिखता हूँ भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमने यहाँ पर लिख लिया भारतीय संस्कृति, भाई लिख जा जल्दी से, भारतीय संस्कृति, हमने भारतीय संस्कृति लिख लिया है। और इसके राइट साइड में जहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है, इसके दाहिनी तरफ हमें एक ऑप्शन दिखेगा EN का। अब ये जो EN है ना, ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, हमें यहाँ पर टच करना है। हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमारे सामने कई सारे लैंग्वेज आ जाएंगे, आप चाहें तो इंग्लिश में बना सकते हैं या आप चाहें तो हिंदी या किसी और लैंग्वेज में भी वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली कर लेते हैं इसको हिंदी, हमने यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी कर लिया है और हमने यहाँ पर लिखा है टॉपिक भारतीय संस्कृति। इसके बाद हमें यहाँ पर क्रिएट वाले बटन पर टच करना है। हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा कैटेगरी, किस कैटेगरी का हम वीडियो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्री स्टाइल है, ए बेड स्टोरी है, ए डे इन द लाइफ है, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर हमको दिखेंगे, कुछ फ्री हैं, कुछ प्रीमियम है। तो यहाँ पर जो फ्री है हम उन्हीं को यूज करेंगे। फिलहाल हम फ्री स्टाइल वाले ऑप्शन पर टच करके नेक्स्ट पे टच करेंगे। हम नेक्स्ट पे टच करेंगे तो अगले पेज पर आ जाएगा फोटो का या वीडियो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर लिखा है चूज बैकग्राउंड और नीचे लिखा है AI आर्ट। अब यहाँ पर कुछ आर्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे ये यहाँ पर इनहांस है पहला ऑप्शन है, उसके बाद है फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रीमियम मिलेंगे, कुछ फ्री मिलेंगे, तो हम फिलहाल फ्री वाले पे टच करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डिजिटल आर्ट कोड कर लेता हूँ टच, और यहाँ पर हम कर देंगे क्रिएट वीडियो वाले ऑप्शन पे टच। हम क्रिएट वीडियो वाले ऑप्शन पे जब टच करेंगे तो हमें थोड़ी देर वेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर 1 out of 5 लिखा हुआ है, यानी कि पहला स्टेप पूरा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर 8 सेकंड नीचे हो चुके हैं, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस प्रकार से 30 सेकंड का भी समय लग सकता है। हमें थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पर हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, यानी कि दूसरे पेज पर नहीं जाना है, कुछ रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें बस वेट करना है। हमने वीडियो का अपने टॉपिक दे दिया है कि मुझे भारतीय संस्कृति पर वीडियो चाहिए, हमने यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है, हमने यहाँ पर अपने वीडियो की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, और कुछ सेकेंड वेट करने के बाद जो हमारा वीडियो है ना, इस प्रकार से रेडी हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर भारतीय संस्कृति हमने लिखा था और ये हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। हम सिंपली एक बार वीडियो को आपको प्ले करके दिखा देते हैं। चलिए हम प्ले वाले बटन पर टच करते हैं, हम प्ले वाले बटन पर टच करते हैं, देखिए हमारा वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा आवाज भी इसका कर लेता हूँ ताकि। भारतीय संस्कृति की शानदारी का परिचय देती है। भारतीय संस्कृति महान और उदात्त है।
देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो हमारा रेडी हो चुका है और इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लग चुका है, एनिमेशन लग चुका है, सबटाइटल भी लग चुका है। हालांकि हिंदी सबटाइटल बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है, तो इसे हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहीं पर आपको पेंसिल का एक बटन छोटा सा दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप यहां पर अगर टच करेंगे ना, जैसे आप यहां पर पेंसिल के बटन पर टच करेंगे तो आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इस वीडियो में जो इमेज यूज किया गया है, जो फोटो लगा हुआ है, वो फोटो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप सिंपली यहां पर एडिट वीडियो पर टच करेंगे। एडिट वीडियो पर टच करेंगे तो आपको टाइटल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हैशटैग भी मिल जाएगा और नीचे आपको सीन मिल जाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में तीन फोटो यूज किए हैं इस एआई टूल ने, तो अगर आपको इनमें से किसी फोटो को चेंज करना है तो आप फोटो पे यहाँ पर टच करिए। यहाँ पर टच करने के बाद आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आएगा, नीचे वीडियो और इमेज। आप चाहे तो यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने फोन से, या आपको अगर इमेज अपलोड करना है तो इमेज पर टच करिए और आपने अपने फोन में जो भी इमेज डाउनलोड करके रखा है, सेव करके रखा है, सिंपली आप यहाँ अपलोड पर टच करेंगे। आपके फोन का जो गैलरी है इस प्रकार से परमिशन देने के बाद ओपन हो जाएगा और आप अपने फोन से किसी भी फोटो को सिंपली इस प्रकार से, आपके फोन की गैलरी ओपन हो गया तो आपने जो भी फोटो अपने फोन में डाउनलोड करके सेव करके रखा है सिंपली आपको उसे कर लेना है टच। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको कुछ फोटो दिख रहे होंगे तो मैं फिलहाल फोटो कोई भी नहीं लूंगा, हम कर लेते हैं बैक, ठीक है, बैक कर लेते हैं, आ जाते हैं इस पेज पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कोई फोटो वगैरह अपलोड नहीं किया है, अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ भी अपलोड नहीं करना है, मिनिमाइज कर लेंगे हम और एक बार यहाँ से क्लोज कर लेंगे इसको। और क्लोज करने के बाद दोस्तों अब अगर हमें इस वीडियो को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हमें एक डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, देखते हैं यहाँ पर लिखा है डाउनलोड वाला, जो आप संस्कृति लिखा है ना इसकी, जब पेंसिल का बटन है उसके ठीक ऊपर डाउनलोड का बटन दिख रहा है। हम सिंपली यहाँ पर टच करेंगे, हमारा ये वीडियो ऊपर डाउनलोड वाले सेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने वीडियो को क्रिएट तो कर लिया है लेकिन अभी ये डाउनलोड नहीं हुआ है, डाउनलोड पर टच करने के बाद भी डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, कैसे डाउनलोड करें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा इससे लॉन्ग वीडियो भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, मतलब एक स्टोरी मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, चलिए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हमारी स्टोरी ये रही, हमारी एक स्टोरी जिस पर मुझे एक वीडियो बनाना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसे एक टॉपिक दिया था लेकिन हम इसे एक थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट देते हैं, कुछ लंबी स्टोरी देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं क्या उस पर ये वीडियो बना पाता है। हम यहाँ पर आ जाते हैं इस वेबसाइट पर, फिर से हम क्रिएट पर टच करते हैं और यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति था इसको हम कर लेते हैं कट और यहाँ पर अपना एक थोड़ा सा लंबा स्टोरी देते हैं। यहाँ पर मैंने इतना लंबा एक पेश कर लिया कि एक बार की बात है, एक छोटे से गाँव में एक गरीब परिवार रहता था, ठीक है, तो मैंने एक मोटिवेशनल छोटा सा शॉर्ट स्टोरी कॉपी पेस्ट किया है गूगल से। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर क्रिएट पर टच करेंगे और लैंग्वेज हम हिंदी ही रखते हैं क्योंकि हमारे वीडियो का जो टाइटल है, जो स्टोरी है वो हिंदी में है। फ्री स्टाइल पर टच करेंगे, नेक्स्ट पर टच करेंगे, नेक्स्ट पर टच करने के बाद यहाँ पर आएगा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन, हम फिर से यहाँ पर चलिए एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे ये डिजिटल आर्ट को ही हम करते हैं और इसके बाद फिर से क्रिएट वीडियो पर हम कर देते हैं टच। अब दोस्तों क्रिएट वीडियो पर हम टच करेंगे ना, तो जैसे पहले ये वीडियो क्रिएट कर रहा था फिर से क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम देखेंगे क्या इतना लंबा स्क्रिप्ट देने के बाद, जो हमने इतना लंबा स्टोरी दिया है, क्या उस पर भी ये वीडियो क्रिएट कर पाता है। वैसे मैंने पहले तो वीडियो क्रिएट कर लिया है लेकिन मैं आपके सामने एक बार लाइव यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं 16 सेकेंड हुए हैं, 17 सेकेंड, 18 सेकेंड, 19 सेकेंड, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गए हैं, 27 सेकेंड, 28 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकंड मुझे लगा है अब तक वीडियो क्रिएट करने में। देख सकते हैं 30 सेकंड मैंने बोला, 30 सेकंड में वीडियो हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस वीडियो को भी चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं। ये देखिए हमने वीडियो को यहाँ पर प्ले किया है, हमारा वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। छोटे से गांव में एक गरीब परिवार बिना संपत्ति और व्यवसाय अपने बच्चों के भविष्य का सपना देखता है, ठीक है, हमने वीडियो यहाँ पर देखते हैं, हमारा वीडियो जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर भी अगर आपको इमेज वगैरह चेंज करना है तो आप इमेज चेंज कर सकते हैं, इमेज के लिए आप किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लेक्सिका है या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप इमेज चेंज कर सकते हैं। अब इस वीडियो को भी हमें करना है डाउनलोड, यहाँ पर हम डाउनलोड का जो बटन दिख रहा है सिंपली इस पर टच करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने दो बार वीडियो को डाउनलोड तो किया है लेकिन वीडियो अभी तक डाउनलोड हुआ नहीं है। वीडियो डाउनलोड कैसे होगा, ऊपर जहाँ पर हमारा प्रोफाइल फोटो राइट साइड में दिख रहा है यहीं पर एक डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, दो लिखा है, हम यहाँ पर टच करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर टच करेंगे तो डाउनलोड वीडियोज वाला ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर जो डाउनलोड वीडियोज का ऑप्शन दिख रहा है ना, हमें सिंपली यहाँ पर टच कर देना है। हम डाउनलोड वीडियोज पर टच करेंगे तो दो ऑप्शन दिखेंगे, नीचे लिखा है डाउनलोड विथ वाटरमार्क और लिखा है अपग्रेड। अब वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और टेंशन मत लीजिए, वाटरमार्क कैसे हटाते हैं ये आप सभी को पता है, इस वीडियो में मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि YouTube के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। फिलहाल हम डाउनलोड विथ वाटरमार्क पे टच करेंगे और इस वीडियो को वाटरमार्क के साथ डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ी देर हमें वेट करना है, डाउनलोडिंग वाला प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों 5 से 10 सेकंड के बाद ही हमारा वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोडेड, हमारा वीडियो डाउनलोड भी हो चुका है। अब ये जो वीडियो है हमें कहाँ पर मिलेगा, हम अपने फोन में ओपन करेंगे फाइल मैनेजर को, गैलरी ओपन करेंगे तो नहीं दिखेगा, हमें अपने फोन में फाइल मैनेजर को ओपन करना है और आ जाना है फोल्डर वाले ऑप्शन पे।
हम फोल्डर वाले ऑप्शन पे आएंगे तो डाउनलोड वाला जो फोल्डर है हमें इसे ओपन कर लेना है। अब यहां पर देखते हैं आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वोक्सो करके वीडियो वन, ऊपर से तीसरा फोल्डर, ठीक है, इस फॉर्मेट में हमारा वीडियो डाउनलोड होगा। हम इस पर अगर टच करेंगे तो ये वीडियो ओपन नहीं होगा, हमें एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। नीचे देखते हैं एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन है, हमें सिंपली इसी पे टच कर देना है। एक्सट्रैक्ट हियर पे हम टच करेंगे तो इस प्रकार से ऊपर सबसे पहला फोल्डर दिख रहा है ना, इस प्रकार का फोल्डर आ जाएगा, हमें सिंपली इस फोल्डर को टच करना है। वोक्सो वीडियो आएगा, हमें सिंपली यहाँ पर टच करना है। अब दो वीडियो हमने डाउनलोड किया था, पहला और दूसरा वीडियो देखते हैं, ये रहा वीडियो को हम प्ले कर देते हैं फिर से, ये रहा हमारा वीडियो, भारतीय संस्कृति की शानदारी का परिचय, देखते हैं हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों इस वीडियो को हम अपने इंस्टाग्राम रील्स पर, फेसबुक पेज पर या यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हैं। अब अगर हमें इस वीडियो को लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हमें अपने फोन में ओपन करना है काइनमास्टर एप्लीकेशन को। काइनमास्टर ओपन करने के बाद हम क्रिएट न्यू पे टच करेंगे, 16:9 को लेंगे, क्रिएट पे टच करेंगे और हमारे सामने आ जाएगा काइनमास्टर का ये वाला इंटरफेस। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम अपने वीडियो को कर लेते हैं इम्पोर्ट, हम वीडियो पे टच करेंगे, ये रहा हमारा वीडियो, ओके कर लेंगे, हमारा वीडियो आ गया है काइनमास्टर के टाइम लाइन पर, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमें सिंपली करना क्या है, राइट साइड में पैन एंड जूम का जो ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पर टच करना है और अपने वीडियो को इस प्रकार से दोनों उंगलियों से जूम कर लेना है, ठीक है। वीडियो का जितना फ्रेम है ना उतना बड़ा हम इसे कर लेंगे जूम, इस प्रकार से जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद अपने वीडियो को लेके आएंगे बिल्कुल सेंटर में, इस प्रकार से हम लेके आएंगे बिल्कुल सेंटर में। इस प्रकार से सेंटर में लाने के बाद दोस्तों राइट हैंड में जो इक्वल का जो बराबर का निशान दिख रहा है हमें यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं यूट्यूब, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इस वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसे आप रिप्लेस कर दीजिएगा यूट्यूब के म्यूजिक से, यानी कि यूट्यूब के जो ऑडियो लाइब्रेरी है वहां से आप म्यूजिक डाउनलोड करके इसमें यूज कर सकते हैं या नो कॉपीराइट म्यूजिक आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। परिवार बिना संपत्ति और व्यवसाय अपने बच्चों के भविष्य का सपना देखता है, देखते हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। अब हमने अपने शॉर्ट वीडियो को लॉन्ग वीडियो में भी कन्वर्ट कर लिया है। इस प्रकार से हम छोटे छोटे क्लिप बनाएंगे, अपने स्टोरी लंबे स्टोरी उठाएंगे, छोटे छोटे क्लिप बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम सिंपली कर लेंगे इसे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ऊपर तीर के निशान पर टच करेंगे, सेव एज वीडियो पर टच करेंगे, छोटा सा वीडियो है कुछ ही सेकंड में हमारे फोन में सेव भी हो जाएगा। और वीडियो सेव करने के बाद इसे हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्लिप लिया है, आप चाहें तो गूगल से किसी लंबे स्टोरी को उठाइए, कॉपी करिए और उसे अलग अलग क्लिप में वीडियो जनरेट करिए और इस प्रकार से काइनमास्टर में एडिट करके लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।